नमस्कार दोस्तों, आज हमें 23 अप्रैल 2018 के कुछ जीके क्वेश्चन उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए ज्यादा टाइम न लगाकर 2 या 3 मिनट में जीके क्वेश्चनों को तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2018 भारतीय सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो ये जो टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है और सुपर, वो किसने जीता है? बेंगलुरु ने, बेंगलुरु एफसी ने जीता है। और किसके सामने खेला गया था? किसके? पूर्वी बंगाल एफसी को हराकर ये बेंगलुरु एफसी ने जीता है। और ये जो कलिंग स्टेडियम में खेला गया था, और कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर की यानी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, तो किसके खिलाफ है? बेंगलुरु जीता था। किसके खिलाफ? पूर्वी बंगाल एफसी के, और कलिंग स्टेडियम में भुवनेश्वर में खेला गया था। अगला है, आरबीआई ने बैंक में खाता खोलने के लिए क्या जरूरी कर दिया है? आरबीआई जो बैंक है, वो खाता खोलने के लिए एक डॉक्यूमेंट से उसको, यानी दस्तावेज जो उसको अनिवार्य कर दिए गए, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना खाता नहीं खुलेगा। उसके बाद तीसरे, दुनिया की सबसे उम्रदराज, यानी दुनिया की बात हो रही है, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला नबी ताजिमा का निधन हो गया, वो किस देश से थी? वो जापान से थी, और उसका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1900 को, यानी 117 साल के बाद उसकी क्या हो गया, निधन हो चुका है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, कार्यालय विस्तार के लिए कौन सा शहर सिर्फ शहर के रूप में उभरा है? यानी कार्यालय विस्तार का अर्थ यहाँ पर है, जो भी बाहर की विदेश की जो कंपनी आती है इंडिया में, वो कौन से देश में अपनी कंपनी को लगाना चाहती है, अपनी ऑफिस बनाना चाहती है, कौन से क्षेत्र में? तो वो क्षेत्र है बेंगलुरु क्षेत्र में, यानी शीर्ष शहर वो शीर्ष के रूप में उभर कर आया, कौन सा? बेंगलुरु। पांचवा, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को, यानी 2 दिन पहले मनाया गया था, 22 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? प्लास्टिक पॉलिथीन को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। छठा है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में हो रहा है? यानी फिलहाल हमारे जो विदेश मंत्री हैं जिन देशों के, वो कहां पर एकत्रित होकर बैठक कर रहे हैं, वो कौन सा देश है? चीन में। तो चीन में ये बैठकें चल रही है विदेश मंत्रियों की। तो ये 23 तारीख का करंट अफेयर था, और अगला वीडियो बनाएंगे 24 अप्रैल 2018 का करंट अफेयर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।